ये तो होना ही चाहिए, इसकी रिएक्शन तो होनी चाहिए, होएगी, हमें तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बीजेपी वालों का अपना एक एजेंडा चलाना है तो इसलिए वो रिएक्शन तो करेगी, लेकिन हमारा जो है मानना है कि नहीं, जो हमारा जो छुट गया उसको वापस कर दो। इसके बाद इसके बगैर श्री राम के नारे लगे, बाकी चीज़ें ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, इन्होंने कमलाइज कर दिया सब चीज़, उसको जहर बोल दिया इन्होंने सब जगह। तो ये यहाँ भी यही करते हैं, वहाँ करते। आज भी अंदर रेजोल्यूशन लाया था, हमने रेजोल्यूशन लाया था मेरा, मैं भी उसका हूँ। तो हम कहते हैं कि टोटल जो हमारा 5 अगस्त को छिन गया, टोटल उसी रिवर्ट बैक टू दैट पोजिशन, और उसके काम कुछ नहीं, बस 370 और बाकी 35 या कोई कानून है जो उस वक्त था वही होना चाहिए। तो अब इसलिए हमने नया रेजोल्यूशन लाया है, क्योंकि पुराने में कुछ इधर उधर की पूरा नहीं लिखा था, तो हमने पूरा यही कहा कि टोटल वही, तो भी हम भी चाहते हैं, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं, जो 5 अगस्त 2019 को उससे पहले जो था पोजिशन उसी को बहाल किया जाए, तो उसमें लद्दाख भी आता है जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जो JKNC ने कल रेजोल्यूशन लाया उस पर कहीं पर भी 370 और 35 नहीं लिखा हुआ है। वो तो सही बात है, हमने कल भी कहा कि पूरा रेजोल्यूशन नहीं है, इसको पूरा जब तक ये पूरा रेजोल्यूशन नहीं आया, वो आज जो रेजोल्यूशन आया वही है एक्चुअल फैक्ट, ज़्यादा नहीं, फैक्ट वही कि 5 अगस्त के पहले जो पोजिशन हमारी है उसी बहाल किया जाए, उसमें जो भी जो चीज़ें वही कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, इधर की बात उधर की बात, या टेक्निकली क्या करना है नहीं कर रहा, हम कहते हैं 5 अगस्त 2019 को जो था उससे पहले वही वापस मिलना चाहिए। भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह भी कहा कि स्पीकर को जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, कल जिस तरह से उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। माफ़ी किस चीज़ का? रेजोल्यूशन पास किया उसने, तो जब पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बिलडोज करके वो लाया था उसको, उस वक्त स्पीकर को माफ़ी नहीं मांगनी थी, हमें पूछे बगैर, लोगों से पूछे बगैर ये होता है किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में? जब तक माफ़ी नहीं मांगे ऐसे हंगामा करेंगे, तो माफ़ी के तो ला, हमने रेजोल्यूशन पास किया, उसको माफ़ी क्या मांगनी है? ये तो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी, जिसने देखिए डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी एक अहम चीज़ होती है, बीजेपी को मेजॉरिटी थी तो हमें बुलडोज करके ले गए, हमारी मेजॉरिटी असेंबली में हम जो कुछ चाहें पास कर सकते हैं, इस पर कोई, अब वो जो कहेंगे उनकी छोड़ दीजिए, आपकी मेजॉरिटी की बात कर लीजिए, उनके 25 मेंबर है आउट ऑफ 90 हाउस में, बाकी जो 65 मेंबर है उन्हें इसके हक में वोट दिया है। थैंक यू।